भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राम राम सा। शक्ति और भक्ति री परिचायक चैत्रीय नवरात्रा रे चौथे दिन माता कुष्मांडा रे स्वरूप ने मारो कोटि कोटि प्रणाम। बाढ़ाणे और जैसाणे रे वासियों ने मारी घणे मानसू, राम राम। मैं सबसे पहले तो बहन ममता जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार संचालन कर रही है आप, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और सूरवीरों की धरती एक बार फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून, 4 जून 400 पार, 4 जून, 4 जून। और मालाणी की यही पुकार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसका संपूर्ण समाधान कांग्रेस ने दिया हो। राजस्थान के लोगों से बेहतर इस बात को कौन जानेगा। जिस राजस्थान के लोगों ने देश को
अपने लहू से सींचा उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा। मेरी माताएं बहनें तपती गर्मी में रेतीले धोरों पर सिर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी। हमारी बहनें यहां कहती थी, घी ढुले तो मारो कुछ न जासी, पानी ढुले मारो सब कुछ जासी। यानि पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ईआरसीपी परियोजना भी पूरी नहीं होने दी। वहीं हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही ईआरसीपी परियोजना को पास करवाया है। हरियाणा से पानी का समझौता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्थान हो या चाहे गुजरात हो, हम लोग तो लाखा बंजारा को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाएं। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे? हाँ, हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूर्ण नहीं होती है, हमारे यहां, यहां से देश शुरू होता है।
आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। और मेरे बाड़मेर के भाई बहन सुनिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं आकर उद्घाटन कर जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटें डाली। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा। और जिस दिन रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आऊंगा उस दिन इस चुनाव विजय के लिए धन्यवाद भी करने आऊंगा। आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे। मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग हैं वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा या ये संभव है, ये होगा क्या। स्वाभाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है, यहां से पलायन होना बहुत स्वाभाविक था। मां बाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ, यहां रह के क्या करोगे, वो दिन थे। ऐसा ही हाल कच्छ का था, मैं गुजरात का अनुभव बताता हूं आपको। कच्छ का भी हाल ऐसा ही था, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिले हैं उसमें आज कच्छ जिला पहुंच गया है। मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमीन की कीमत हो गई है। अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। मैं ये करके आया हूं और इसलिए मैं गारंटी देता हूं ये भी मैं करके रहूंगा। यहां के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोड़े अटकाए थे। अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही चालू हो जाता। साथियों, कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रहे हैं। आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी है। हमारे गांव ढाणियों की महिलाएं मेघवाल समाज, लंगा, मंगणियार समाज के लोग पीढ़ियों से हस्तकला का काम करते आए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अपनी मेहनत से
रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा। आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने अपने घर में व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था, लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी, हमारे बाजरे हमारा ज्वार उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है। सुपर फूड आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है, और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं। दोस्तों, मूंग का समर्थन मूल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था। मोदी आपके सुख दुख में आपके साथ है, क्योंकि आपके सपने, आपके सपने ही मेरे संकल्प है। साथियों, एससी एसटी ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना, ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था, पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन ले, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है, और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ
हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी या आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता? यहां आकर के बोल के गए हैं। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं? जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता? इस बाड़मेर के सपूत भीखाराम मुंड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता? जिस राजस्थान में, कश्मीर में जन्मे बाबू साहब
रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता, जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से खदेड़ा गया था, तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था, गले लगाया था, और ये पूछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता। अरे उनको पता नहीं होगा, करगिल के लोग ईरान गए थे और ईरान में कोविड की भयंकर महामारी में फंस गए थे, उनको वापस लाना था, कोविड के साथ लाना था, बड़ा संकट का काम था, उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे। देश को जान करके गर्व होगा, ये मेरे राजस्थान की वीर भूमि है। जैसलमेर में ईरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगिल के रहने वाले थे, वहां वो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, यहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर में महीना भर रहे, जब ठीक हुए तब राजस्थान ने उनको घर वापस भेजा था। ये है मेरा राजस्थान। कांग्रेस भारत को भाषा, प्रांत, जात पात में तोड़ना चाहती है, इसलिए आपको इस चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है। साथियों, कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है, कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। आप देखिए, हम लोग देश में, राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो, किसी मर्द को आगे नहीं पढ़ाने पड़ेगा, ये शक्ति को नष्ट करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी। देश में राम मंदिर निर्माण का पुनीत पावन काम होता है, कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है, और कांग्रेस करती क्या है, कांग्रेस राम नवमी की शोभा यात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठिए आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है, लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान से जीतने की हकदार है क्या? हकदार है क्या? एक भी सीट बचनी चाहिए क्या उनकी? इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाइयों, जाएगी? साफ कर दीजिए उनको, ये सुधरेंगे नहीं। साथियों, 26 अप्रैल को राजस्थान और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और मैं रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाश चौधरी जी को दी है, इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं।
मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद, मेरे नौजवानों के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, धानी धानी मेरे किसान भाई बहनों के आशीर्वाद, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है। चाहे जितनी गर्मी हो, 26 अप्रैल को सुबह सुबह ही कमल का फूल खिलना चाहिए, खिलेगा। और इसलिए मेरा अनुरोध है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सबके सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान में बहुत घूमा हूं, सब दूर जाता था, संगठन का काम करता था, इन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगह पे जा नहीं सकता हूं, तो मेरा एक काम करोगे, घर घर जाकर बताइएगा कि अपने मोदी बाड़मेर आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर बुजुर्ग को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब इन सबको मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।